Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to the video. इस video tutorial में हम component pattern के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम move करेंगे assembly के tab में और यहाँ पे आपके पास देखें linear component pattern का button जो है वो available है और यहाँ पे जब आप इस arrow पे drop down arrow पे click करते हैं तो list of component pattern की जो options available हैं जो types available हैं वो आपको यहाँ पे show हो रही हैं. Let's start with the linear component pattern. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो linear pattern की property manager के अंदर window जो है वो open हो जाएगी. हमने linear pattern को stretch state में भी cover कर लिया है और हमने linear pattern को feature tree state के अंदर भी cover कर लिया है अपने previous tutorials में. Exactly same information और steps जो है वो आपको assembly के environment में भी available है. जिसका मेन बेनिफिट और यूज़ जो है वो इस तरह से है. लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास एक स्लैब है और इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट है. इस पार्ट की मल्टीपल कॉपीज़ मुझे इस स्लैब पे प्लेस करनी है. सो आई कैन डू दैट सिंपली. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इन पार्ट्स की मल्टीपल कॉपीज़ ऐड कर सकता हूँ. कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखें मल्टीपल कॉपीज़ ऐड हो रही हैं. और देन जिस तरह यहाँ पे मेट अप्लाई किया गया है डिस्टेंस और कोइंसिडेंट का, उसी तरह से हम इनके साथ भी मेट अप्लाई कर सकते हैं. बट इट विल वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू हैव टू वर्क टू मच और आपको वन बाई वन हर एक पार्ट के साथ डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और प्लेस करना पड़ेगा. तो उसमें हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. हम इसको पहले तो मैं डिलीट कर रहा हूँ. अब हम जाएंगे यहाँ पे लीनियर पैटर्न पे और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू ताकि हम स्क्रीन पे शो हो, हम यहाँ पे कंपोनेंट टू पैटर्न के अंदर इस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे देखें पोस्ट ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट हो चुका है. मोर ओवर आप इस एरो पे क्लिक करके भी इस अपने पार्ट को कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट मुझे डायरेक्शन वन के अंदर वो डायरेक्शन बतानी है जिस साइड पे मुझे इसकी मल्टीपल पैटर्न जो है लीनियर पैटर्न जो है वो क्रिएट करना है. इसी तरह से मेरे पास डायरेक्शन टू की भी ऑप्शन अवेलेबल है और कुछ अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो कि हम लेटर ऑन ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. सो डायरेक्शन वन के लिए मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ. आप वर्टेस और इसी तरह से फेसेस जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बहरहाल यहाँ पे मैंने इस एज को सिलेक्ट किया है. यहाँ पे देखें इसकी एरो जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो इस साइड पे है. आप इस एरो पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं. मोर ओवर आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन आपको चाहिए उस साइड पे ही उसकी पैटर्न की कॉपीज जो है वो क्रिएट हो सके. देन आपने यहाँ पे स्पेस और इंस्टेंस जो है उसको रेडियो बटन जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है अप टू रेफरेंस कर देंगे तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बहरहाल मुझे यहाँ पे स्पेसिंग और इंस्टेंस की इस रेडियो बटन को चेक करना है और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू ऑफ दिस कंपोनेंट वो मैं यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ इंचज और नंबर ऑफ कॉपीज जो है मुझे 5 चाहिए. देन यू कैन सी के यहाँ पे देखें मेरी 5 कॉपीज इसकी क्रिएट हो चुकी हैं. टोटल 4 कॉपीज हैं और 1 ओरिजिनल तो टोटल 5 जो है लीनियर पैटर्न इसका क्रिएट हो गया. सिंपल इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हर एक कंपोनेंट यहाँ पे एग्जैक्टली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको लीनियर पैटर्न 1 की फील्ड के अंदर ये सब ब्लॉट्स जो हैं पोस्ट ब्लॉट शो हो रहे हैं. यहाँ पे नंबर 1 है, ये देखें 4, 5, 6, 7. ओके, बिकॉज 2, 3 नंबर जो है मैं पहले से इंपोर्ट कर चुका था और इसके बारे में मैंने प्रीवियसली बता दिया कि जब भी आप नेक्स्ट ऐड करें तो नंबर उससे आगे ही जाएगा. वो नंबर्स जो हैं ये नहीं होगा कि वो उसके हिसाब से अपडेट हो. बहरहाल तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऐड हो चुके हैं. अब यहाँ पे आप देखते हैं अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये मूव भी नहीं हो रहे बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ जो मेट्स मैंने यहाँ पर साइन किए हैं वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली असाइन हो चुके हैं. अगर मैं इस लीनियर पैटर्न पर राइट क्लिक करके डिसॉल्व पैटर्न कर दूं, तो आप देखें यहाँ से लीनियर पैटर्न की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे सारे पोस्ट ब्लॉट के पार्ट्स आपको शो हो रहे हैं. यहाँ पे मेट अप्लाई है बट आप इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे सारे मेट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई मेट भी अप्लाई नहीं हो रहा. सो मैं इसको यहाँ से अनडू कर रहा हूँ बिकॉज कि मुझे यहाँ पर मेट्स अप्लाई करने हैं. सो डैट्स वाई मैं यहाँ पर लीनियर पैटर्न ही यूज़ करूँगा. तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि हम किस तरह से लीनियर पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. अब हम इस पर फर्दर
कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे, जिसमें अब हम डायरेक्शन टू को यूज़ करते हैं और डायरेक्शन टू के लिए मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगेन मुझे यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस मैं 4 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास लीनियर पैटर्न का प्रीव्यू जो है वो एक्स और वाई मतलब बोथ डायरेक्शन में मुझे शो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ फर्दर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पैटर्न सीड ओनली। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अब ये जो मेरा मेन पार्ट था पैटर्न सीड, जो इन दोनों के लिए एज अ सीडिंग पैटर्न काम कर रहा है, वो उसी की ही यहाँ पे देखें टॉपिक शो हो रही है। ये वाली ऑप्शन सब आपकी आउट होगी। अगर आपको कंप्लीट स्लैब पे चाहिए, आप इस बटन को अनचेक कर दें, इस चेक मार्क को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे देखें कंप्लीट आपके पास पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन अगर रोटेट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं। लाइक ये देखें मेरा ये पार्ट है और ये 15 डिग्री रोटेशन के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फेस। अगर मैं इस फेस को यहाँ से क्लियर कर दूँ और मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें तो ये 15 डिग्री की रिप्लेसमेंट के साथ ये देखें आपको इसकी रोटेशन जो है यहाँ पे शो हो रही है लाइक दिस। इसको अगर हम इसका साइड व्यू अगर देखें, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ओके। सो आप इस तरह से इसमें रोटेशन का एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। ओके सो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है इंस्टेंस टू स्किप की। वो सब ऑप्शन लाइक अगर लेट्स से कि मुझे इन टू इंस्टेंस को यहाँ पे ऐड नहीं करना तो मैं इनको यहाँ से क्लिक करके डिसअपियर मतलब यहाँ से वो डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंस टू स्किप के बॉक्स के अंदर आपको शो हो रहे हैं 3.2, 5.2, ये इसका नंबर है जो आपने यहाँ पे स्ट्रिप किया। अगर मुझे चाहिए तो आप अगेन इस वाइट बॉक्स पे जाके अनस्ट्रिप कर देंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। बहरहाल लेट्स से कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे स्ट्रिप कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आप देखें मॉडिफाइड इंस्टेंस की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप किसी अदर ऑब्जेक्ट को, जैसे अब यहाँ पे हर एक के दरमियान स्पेसिस जो है वो इक्वल है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब अगर मुझे इन टू पॉस ब्लॉक के साथ वेरिएबल स्पेस चाहिए लेट्स से, तो आप इस इंस्टेंस पे जाएं और मॉडिफाई इंस्टेंस पे जाएं। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस वन वैल्यू फ्रॉम द सीड, डिस्टेंस वन ऑफसेट फ्रॉम नॉमिनल, डिस्टेंस टू फ्रॉम सीड, और ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। सो हम इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैं इनको मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 60 inches है, लेट्स चेंज इस टू 50 एंड लेट्स चेंज दिस वैल्यू टू अगेन 45। सो यहाँ पे देखें अब ये बॉक्स जो है इन टू वैल्यूज के हिसाब से अपडेट हो चुके हैं। अब हम इसको भी चेंज कर लेते हैं और मैं इस पर क्लिक करूँगा। मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे अब आप इन दो डिस्टेंस की मदद से ये दो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे थे। सो इस दफ़ा हम इस डिस्टेंस को चेंज करते हैं, डिस्टेंस वन डेट इज ऑफसेट फ्रॉम द नॉमिनल जो कि 0 है, इसको मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ और यहाँ पे देखें ये उसके हिसाब से 100 पॉइंट पे आ गया। और यहाँ पे मैं इसको -20 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये इसके साथ टच हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे -15 कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। और ये देखें ये दो इंस्टेंस आपके बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आपने प्लेस किए हैं। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से लीनियर कंपोनेंट पैटर्न को सॉलिडवर्क्स के असेंबली इन्वायरमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं और किस तरह से जो मेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अदर जो आपके कंपोनेंट हैं उसके साथ असाइंड होते हैं। थैंक यू।